पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना रविवार 8 बजे रात समाप्त हुई। सोमवार सुबह 8 बजे फिर से अब मतगणना कार्य प्रारंभ होगा। बोड़ो स्थित बाजार समिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद व अन्य कई पदाधिकारियों की देखरेख में द्वितीय चरण की मतगणना आज सुबह से प्रारंभ हुई। मतगणना कार्य में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, SP अमित रेणु आदि की नज़र भी बनी हुई है। बताया गया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। इस दौरान मतगणना केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। संबंधित प्रत्याशियों या उनके एजेंट की उपस्थिति में मतपेटी खोली गई और फिर मतगणना शुरू की गई। बता दें कि गिरिडीह के गांव तिस्त्री, देवरी व भिंगाबाद की मतगणना यहाँ चल रही है। बताया गया कि यहाँ 929 पदों के लिए मतगणना हो रही है। गांव तिस्त्री, देवरी व भिंगाबाद प्रखंड के प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना केंद्र पर सुबह से ही पहुंच गए थे। मतों की गिनती के लिए प्रत्येक कमरे में अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। बैलेट पेपर के रंग के आधार पर अलग अलग टेबल का निर्धारण किया गया है। मतगणना के बाद शाम तक चारों प्रखंडों के कुछ कुछ प्रत्याशियों के रिजल्ट जारी किए गए। बताया गया कि पूरा रिजल्ट लगभग 4 दिनों में आ पाएगा।